students. I'm here, Komal Dhankar, for you. And this is the video for class 12 students, biology students. Take care, this is our chapter number 1. And this is the first video for your chapter. That is part 1.1. So, beta, naam kya hai tumhare chapter ka? Reproduction in organisms. Jo humara first chapter hai, 12th class ke liye, wo hai reproduction in organisms. ठीक है, तो इस जो चैप्टर के अंदर तुम्हें पढ़ना है वो क्या क्या रहेगा बेटा, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है वो पढ़ना है तुम्हें, देन उसकी टाइप्स पढ़नी है तुम्हें. टाइप्स के अंदर आ जाएगा तुम्हारा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो तुम्हें पढ़नी है, दैट इज मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर एग्जांपल्स. ठीक है, इसमें तुम्हें जो वेजिटेटिव जो प्रोपेग्यूल्स मैं बताऊंगी वो तुम्हें पढ़ने हैं, बहुत जरूरी, बोर्ड एग्जाम में वो पूछे जाते हैं एक दो नंबर में. ठीक है, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो आज हम देखते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा कि किसी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि वो अपनी न्यू जनरेशन बना सके, न्यू ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे सके. ठीक है, न्यू जनरेशन को क्या बोलेंगे हम, ऑफस्प्रिंग्स बोलेंगे, नए बच्चे पैदा करना. ठीक है, या इसको हम प्रोजेनी बोलेंगे उनकी. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी न्यू जनरेशन बनाते हैं. ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब जो टाइप्स है उससे पहले हम एक छोटी सी चीज डिस्कस करते हैं, व्हाट इज लाइफ स्पेन. तो लाइफ स्पेन क्या होता है बेटा, द टाइम पीरियड बिटवीन द फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ ऑफ अ नेचुरल, सॉरी, जो लाइफ स्पेन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, बर्थ से जो हमारी नेचुरल डेथ का टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ स्पेन बोलेंगे. सिर्फ डेथ को नहीं बोलेंगे, जो लोग सुसाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कि उन्होंने अपना पूरा लाइफ स्पेन कंप्लीट नहीं किया. ठीक है, तो बर्थ टू नेचुरल डेथ का जो टाइम पीरियड होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन बोलते हैं. ठीक है, आपकी बुक्स में कुछ एग्जांपल दिए हुए होंगे कि उनकी लाइफ स्पेन को भरो. ठीक है, एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लेना. मैंने यहाँ कुछ आपको दे भी दिए लिस्ट, जैसे कि मेफ्लाई है उसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 1 डे का होता है, क्रो का 15 ईयर्स का होता है, मैन का 100 ईयर्स का होता है, टॉर्टोइस का 100 टू 150 ईयर्स का होता है, बटरफ्लाई जो होती है हमारी उसका 1 to 2 weeks का होता है, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स का होता है, पैरेट का 140 ईयर्स का होता है, एंड जो बनियन ट्री होती है हमारी उसका 200 ईयर्स का होता है लाइफ स्पेन. ठीक है, और ये मत भूलना कभी भी, नेचुरल डेथ मत भूलना लिखना. ठीक है, बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड एज लाइफ स्पेन. ठीक है, उसके बाद हमने जो रिप्रोडक्शन का जो टर्मिनोलॉजी रिप्रोडक्शन है उसको हमने अच्छे से समझ लिया, कि जब भी कोई पेरेंट अपनी प्रोजेनी को जनरेट करता है, न्यू जनरेशन बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, अब जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है. ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी मैं तुम्हें बताती हूँ, उससे पहले हम ये देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं. अब जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा वो 2 टाइप्स का होता है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो इसको हम जब डिस्क्राइब करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगी कि इनका मतलब क्या है. ठीक है, तो जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप का है बेटा, 2 टाइप का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा उसके अंदर क्या होता है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और वही सिंगल पेरेंट अपनी प्रजेनी को जन्म देता है. तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट क्या डाल लेंगे, ओनली 1 पेरेंट.